फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं शकरकंद के गर्मा गर्म पराठे। तो शकरकंद के पराठे कैसे बनाते हैं आज उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और शकरकंद ठंड के मौसम में बाजार में आ जाती है, इससे आप पराठा भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं और इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे शकरकंद के पराठे। तो यहाँ पे हमने शकरकंद ले लिए हैं, यहाँ पे हमने 6 शकरकंद लिया है और इसको उबाल के छील लिया है, इसका छिलका उतार लिया है। इसको हम मैश कर लेते हैं। फ्रेंड, सारी गंजी को हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। अगर आप मैश नहीं कर सकते तो आप कद्दूकस से कद्दूकस भी कर लेते हैं, वैसे ये आसानी से मैश हो जाते हैं। चम्मच की सहायता से, हाथ की सहायता से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमने मैश कर लिया है, इसमें हम आटा डाल देंगे। आटा हमने 4 कटोरी के लगभग डाला है। फ्रेंड, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया का पत्ता। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हम डो बना लेंगे। डो आप ज़्यादा ना सख्त बनाएं ना ज़्यादा नरम बनाएं, और एक जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से डो लगाएं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल दिया है और आटा को गूंथ लिया है। लगभग 1 कप के करीब पानी लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आटा का डो बन के रेडी हो चुका है। 1 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है और हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के हम आटे पे लगा देते हैं और इसको हम फिर से मसल लेते हैं अच्छे से। ये आटा हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसको हम रख देते हैं ढक के थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके पराठे बनाएंगे। तो इसको ढक के एक साइड में रख देते हैं। खोल के देख लेते हैं, हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। बहुत ही अच्छा मुलायम और नरम बना है। इसकी हम गोलियां बना लेते हैं। 3 से 4 पराठे एक साथ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 3 से 4 लोई लेके बड़े बड़े, ना ज़्यादा छोटे साइज के बनाएंगे ना ज़्यादा बड़े साइज के बनाएंगे, मीडियम साइज की लोई ले ली है। इसको रोल करके रख देते हैं एक साइड में। तो मैं पराठे बना लेती हूँ। पराठे बेलने के लिए सबसे पहले हमने सूखा आटा लिया है। सूखे आटे में हमने 1 लोई को डिप कर लिया है। डिप करने के बाद सेम उसी तरह से बेलेंगे जिस तरह से हम रोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि इसमें भरावन तो हमने भरा ही नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छे से, मतलब कि फटेंगे नहीं किनारे से ना ही बीच से, बहुत अच्छे से ये रोल हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरा पराठा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी किनारों से कहीं से नहीं फटा है। और शकरकंद के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, चाहे आप पूरियां बनाएं चाहे पराठे बनाएं, दोनों बहुत टेस्टी होते हैं। तो आज हमने इसका जो है पराठा बनाया है। और फ्रेंड, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी रेसिपी में अगर कोई कमी रहती है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसे और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरा यहाँ पे दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो चुका है सेम उसी तरह से। तो सारे पराठे हम एक एक करके बेल लेंगे, उसके बाद सेकेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 पराठे एक साथ बेल लेंगे। और यहाँ पे हमने एक थाली ले ली है, सारे पराठे को उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे तीसरा पराठा भी हम बेल लेंगे सेम उसी तरह जिस तरह से हमने पहला और दूसरा बनाया है। तवा गर्म हो चुका है, अपने पराठे को उस पर डाल देते हैं तवे पे। तो हमने यहाँ पे पराठा तवे पे डाल दिया है, इसको एक तरफ से पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें तेल लगाएंगे। हमारा पराठा एक तरफ से पक चुका है, इसको हमने पलट दिया है और इस पर हम लगा देते हैं तेल। तेल हमने यहाँ पे रिफाइंड लिया है, या सरसों का तेल नहीं है, आप चाहे तो देसी घी से भी पराठे बना सकते हैं। इसको दबा दबा के अच्छे से क्रिस्पी सेक लेते हैं। और एक तरफ से हमारा पराठा पक चुका है और इस पर अच्छे से कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन चित्ते सी पड़ गए हैं, तो इसका मतलब हमारा पराठा अच्छे से पक चुका है। इसको दूसरी तरफ से भी पलट के सेक लेते हैं और इसको हम दबा दबा के अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर पराठा सिक चुका है, दूसरा पराठा भी हम सेक लेते हैं सेम उसी तरह। यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा पक चुका है एक तरफ से, उसमें भी हमने तेल लगा दिया है, इसको पलट दिया है और थोड़ा थोड़ा सा तेल हमने किनारों पे डाल दिया। सेम इसी तरह से हम सभी पराठे पका लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सर्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पराठा पक चुका है।
हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। हम इसको लगा देते हैं प्लेट में। गर्मा गर्म पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा बटर गार्निशिंग के लिए। उसके ऊपर से हमने जो पहले चटनी बनाई थी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी। आंवले की चटनी है ये, और बहुत टेस्टी टेस्टी लगता है आंवले की चटनी के साथ। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, और आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड आप लोग इस रेसिपी को बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।